हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार दीपावली आने वाली है और ये पर्व देश भर में बड़े धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार दीपावली का त्यौहार प्रत्येक वर्ष में पड़ने वाली कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। वहीं आपको बता दें, इस बार दिवाली 12 नवंबर को है, ऐसे में हम सभी दीपावली की तैयारियों में जुट जाते हैं। दिवाली के इस खास पर्व पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और जिस घर पर उनकी कृपा बरस जाती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। तो आइए आज हम बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी के घर आगमन के लिए घर में प्रमुख द्वार पर ऐसा क्या करें जिससे वे अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रखें। आपको बताते चलें, दीपावली पर हम सभी साफ सफाई इसलिए करते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी वही निवास करती है जहाँ साफ सफाई होती है। इसलिए दिवाली से पहले हम सभी अपने घरों की सफाई करते हैं, लेकिन अगर घर में गंदगी है तो उसे दिवाली से पहले घर से बाहर फेंक दें। यदि पुराना कबाड़, टूटी फूटी चीज़ें, फटे कपड़े, खराब वस्तुएं अगर घर में रखी हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है तो उसे हटा दें, क्योंकि घर में इन चीज़ों से नकारात्मकता आती है और ये दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। जिन घरों में गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। दिवाली पर यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार को साफ कर लें। यदि घर का मुख्य द्वार खराब है और उसे खोलने या बंद करने में किसी तरह की आवाज़ आती है तो उसे ठीक करा लें। घर के मुख्य दरवाज़ों से किसी तरह की आवाज़ आना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन घर के मुख्य द्वार से ही होता है। आप घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के कदम चिन्ह लगा सकते हैं और आम के पत्तों का तोरण भी घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं और रंगोली भी बना सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होंगी और उस घर में सदैव वास करेंगी। आप भी दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर इन चीज़ों को अवश्य लगाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के पात्र बने। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर रुकी, खराब या बंद पड़ी घड़ी रखना बेहद अशुभ होता है और इसका कारण यह है कि घड़ी को सुख और प्रगति का प्रतीक माना गया है। अगर आपके घर पर भी बंद पड़ी या खराब घड़ी हो तो उसे दिवाली से पहले बाहर निकाल लें या ठीक करा लें। वही ऐसे में जूते चप्पल जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, वही खराब या फटे पुराने जूते चप्पलों को भी घर पर नहीं रखना चाहिए। इन्हें भी दीपावली से पहले बाहर निकालना ना भूलें, क्योंकि ऐसे जूते चप्पलों से नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर टूटा शीशा या कांच भूल कर भी ना रखें, इसका घर पर बेहद अशुभ प्रभाव पड़ता है। यदि आपके घर की खिड़की, दरवाजे या शीशा आदि के कांच टूटे हो या कोई कांच का बर्तन टूटा हो तो उसे दिवाली से पहले बाहर निकाल दें, क्योंकि टूटे हुए कांच तेजी से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। वहीं टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है, ऐसे घर पर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए इस दिवाली से पहले अपने घर से टूटे या चटके हुए बर्तनों को बाहर निकाल फेंकें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर टूटे या चटके बर्तन रखने से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे N27 भक्ति।